मरियम और हारून द्वारा मूसा का विरोध। ये कहानी हमें पवित्र बाइबल की पुस्तक गिनती के 12वें अध्याय में मिलती है। मूसा ने कूश आधुनिक इथोपिया में रहने वाली एक स्त्री से विवाह किया था, परंतु मूसा की बहन मरियम और उसका भाई हारून, जो कि महायाजक था, दोनों ही उसके विवाह से खुश न थे और वो मूसा के बारे में आपस में बुदबुदाने और शिकायत करने लगे। उन्होंने उसकी आलोचना की क्योंकि उसकी पत्नी कूशी थी। उन्होंने सोचा कि यह अच्छा नहीं कि मूसा ने कूशी लोगों में से एक के साथ विवाह किया। फिर उन्होंने आपस में कहा, यहोवा ने लोगों से बात करने के लिए मूसा का उपयोग किया है, किंतु मूसा ही एकमात्र नहीं है। यहोवा ने हमारे द्वारा भी लोगों तक अपनी बातें पहुँचाई हैं और यहोवा ने यह सब बातें सुनी। बाइबल हमें बताती है कि मूसा बहुत विनम्र व्यक्ति था। वह न डींग हाँकता था, न शेखी बघारता था। वह धरती पर के किसी भी व्यक्ति से अधिक विनम्र था। इसलिए यहोवा अचानक आया और मूसा, हारून और मरियम से बोला, तुम तीनों को अब मिलाप वाले तंबू में आना चाहिए। इसलिए मूसा, हारून और मरियम तंबू में गए। तब यहोवा बादल में से उतरा। यहोवा तंबू के द्वार पर खड़ा हुआ। यहोवा ने हारून और मरियम को अपने पास आने के लिए कहा। जब दोनों उसके समीप आए तो यहोवा ने उनसे कहा, मेरी बात सुनो, जब मैं तुम लोगों में नबी भेजूंगा तब मैं, अर्थात यहोवा, अपने आप को उसको दर्शन में दिखाऊंगा और मैं उससे उसके सपने में बात करूंगा। किंतु मैंने अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं किया। मैंने उसे अपने सभी लोगों के ऊपर शक्ति दी है। जब मैं उससे बात करता हूँ तो मैं उससे आमने सामने बात करता हूँ। मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसे साफ साफ कहता हूँ। छिपे अर्थ वाले विचित्र विचारों को उसके सामने नहीं रखता और मूसा यहोवा के स्वरूप को देख सकता है। इसलिए तुमने मेरे सेवक मूसा के विरुद्ध बोलने का साहस कैसे किया? तब यहोवा उनके पास से गया, किंतु वह उनसे बहुत क्रोधित था। बादल तंबू से उठा, तब हारून मुड़ा और उसने मरियम को देखा और उसे दिखाई पड़ा कि उसे भयंकर चर्म रोग हो गया है। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी। तब हारून ने मूसा से कहा, महोदय, कृपा करके जो मूर्खता भरा पाप हम लोगों ने किया है उसके लिए क्षमा करें। उसकी त्वचा का रंग उस प्रकार न उड़ने दे जैसा मरे हुए उत्पन्न बच्चे का होता है। इसलिए फिर मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, परमेश्वर कृपा करके इस बीमारी से उसे स्वस्थ कर। तब यहोवा ने मूसा को उत्तर दिया, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूके तो वह 7 दिन तक लज्जित रहेगी। इसलिए उसे 7 दिन तक डेरे से बाहर रखो। उस समय के बाद वह ठीक हो जाएगी, तब वह डेरे में वापस आ सकती है। इसलिए मरियम 7 दिन के लिए डेरे से बाहर ले जाई गई और तब तक वे वहां से नहीं चले जब तक वह फिर वापस नहीं लाई गई। उसके बाद लोगों ने हसेरोत को छोड़ा और पारान मरुभूमि की ओर यात्रा की। तब लोगों ने उस मरुभूमि में अपने डेरे लगाए। तो ये थी मरियम और हारून द्वारा मूसा के विरोध की कहानी। आइए देखें ये कहानी हमें क्या बताती है। ये कहानी हमें गपशप के बारे में बताती है जो हम दूसरों के विरुद्ध करते हैं उनकी अनुपस्थिति में। ये वो बुरे विचार हैं जो हम एक दूसरे के विरुद्ध रखते हैं, और कभी ना कभी हर किसी मनुष्य ने किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ बुरा कहा ही होगा उसकी अनुपस्थिति में। पर ऐसे विचार रखना परमेश्वर की नज़र में गलत है। परमेश्वर को यह बिल्कुल पसंद नहीं, और ख़ास तौर पर तब जब वह विचार परमेश्वर के प्रिय लोगों के लिए हो, जैसा कि इस कहानी में हमने सुना कि मरियम ने मूसा और उसकी पत्नी के लिए बुरे विचार रखे और उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। बाइबल हमें इफिसियों की पुस्तक के 4:29 में बताती है, तुम्हारे मुख से कोई अनुचित शब्द नहीं निकलना चाहिए, बल्कि लोगों के विकास के लिए जिसकी अपेक्षा है ऐसी उत्तम बात ही निकलनी चाहिए, ताकि जो सुने उनका उससे भला हो। इस कहानी में हमें 4 खास चीज़ें समझने को मिली। पहली,
मूसा और परमेश्वर का रिश्ता बहुत खास था। वो उसे सम्मान देते थे और यह रिश्ता इतना खास था कि वो उसके खिलाफ एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकते थे। दूसरा, यह हमें यह भी दिखाता है कि गपशप का अपराध वास्तव में कितना गंभीर होता है। तीसरा, यह भी दर्शाता है कि परमेश्वर मरियम को एक उदाहरण बनाना चाहते थे ताकि और दूसरा कोई उसके नक्शे कदम पर न चलने पाए। चौथा, यह भी दर्शाता है कि यहाँ क्षमा हो सकती है लेकिन गलती का परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है। क्षमा प्राप्ति के बाद भी मरियम को डेरे के बाहर 7 दिन बिताने पड़े। सभी उसके लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। मरियम के साथ जो हुआ वह सबके लिए एक सबक था और इसके बाद मरियम का भी ऐसा प्रयास रहा होगा कि उससे अब ऐसा दोबारा ना हो। तो आइए हम सब भी परमेश्वर के पवित्र लोग बने और समझें कि उसने हम सबों को क्यों चुना है और वो हमसे क्या चाहता है। अपनी बोली को सुधारें और दूसरों का सम्मान करें। परमेश्वर की ऐसी और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको बाइबल की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इन कहानियों को अपने करीबियों तक पहुँचाने का प्रयास करें ताकि परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य तक पहुँचे और वो उससे लाभ पाए। थैंक यू। जय मसीह की।